अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल वहाब पंजाबी वॉइस चैनल के साथ। सो गाइस वेलकम टू अनदर लॉग, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे सपोर्ट दे रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो व्लॉग मैं बनाने जा रहा हूं, द टाइम बीइंग आई एम हियर इन द फील्ड ऑफ शुगर कैन, गन्नों का खेत है गाइस। पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा गन्ने लगे हुए तादाद में। फर्स्ट जो मैंने व्लॉग बनाया है वो मैंने बनाया आपको बेसिकली बताया कि ट्यूबवेल गाँव के अंदर जो उसकी वर्किंग है वो किस तरीके से कहाँ कहाँ पानी देता है, क्या हिसाब किताब होता है, इसकी वीडियो आपने देखी जो कि इस आई कार्ड के ऊपर आ रही होगी। इस आई कार्ड के ऊपर क्लिक करें और इस वीडियो को जाके देख लें। अब आए मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो दूसरी वीडियो थी वो मैंने बनाई, दिस इज़ टोटली बेस्ड ऑन कि हाउ टू मेक अ गुड़, गुड़ किस तरह बनाया जाता है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो गाइज आपने इस वाले आई कार्ड पर क्लिक करना है। और आज का व्लॉग मैं बनाने जा रहा हूँ, दिस इज़ टोटली बेस्ड ऑन शुगर कैन। ये भी शुगर कैन के मुतालिक है कि शुगर कैन की बेसिकली किस तरीके से काश्त की जाती है और वो किस तरीके से, मतलब कि फार्मर लोग इसके ऊपर काम करते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और उसकी ये मैं समझाने की कोशिश करूँगा। चलें गाइस, और गन्ने को काटने की भी कोशिश करूँगा बिकॉज़ आई हैव एन एक्स, मैं कुल्हाड़ी भी लेकर आया हूँ जो पीछे पड़ी है, और ख़ुद भी एज़ अ फार्मर बनने की फीलिंग लूँगा कि लोग किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा काम करते हैं फार्मर। मेरी आपने पिछले ब्लॉग के अंदर भी देखा कि मैंने कुछ फार्मर से बातें वगैरह की और उनकी डेली रूटीन के मुतालिक जानने की मैंने कोशिश की कि वो लोग किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। तो उनकी जो हालत थी और कपड़ों की थी उससे मुझे पता लग गया कि फार्मर जो हमारा पाकिस्तान का है बहुत ज़्यादा मेहनती है, हमें चीज़ों की कदर करनी चाहिए। उनकी बनावट पे जितने अखराज आते हैं एक रॉ मटेरियल से लेके और हमारे हाथ तक आने का जितना भी खर्चा वगैरह आता है वो एक आम सा प्रोसेस नहीं है, वो बहुत बड़ा प्रोसेस से गुजर कर हमारे पास आता है। पहले एक बीज को बोना, फिर उसका बड़ा होना, फिर उसकी हार्वेस्टिंग होनी, फिर दैन वो का फैक्ट्रियों मिलों के अंदर जाना, फिर उस वो रॉ मटेरियल से फिर वो दूसरे मराहल तय करना, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये शर्ट भी हमने पहनी हुई भी कॉटन से निकली है तभी हमने पहनी है, ये कुछ आम बात नहीं है। तो चलें गाइस आ जाएँ, अब मैं जाने लगा हूँ गन्नों के खेत के अंदर और जा के देखते हैं वहाँ पर क्या मिलता है। बस दुआ करें कि सांप कीड़ा मकोड़ा ना निकल आए, तो बाकी तो अल्लाह खैर करे। तो चले गाइस चलते हैं आगे देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम द पंजाबी वाइंस। मैं आपसे ये बात करने जा रहा था कि गाइस ये गन्नों का जो प्रोसेस है वो बेसिकली सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि गन्ने की खेप होती है, तो गन्ने का काम इसलिए बहुत ज़्यादा होता है विलेज के अंदर। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप जैसे ही मेरे सामने देख सकते हैं कि वहाँ तकरीबन सारा सिस्टम है सारा, और बहुत ही अच्छे तरीके से लंबे लंबे साइज़ के गन्ने बने हुए हैं, और मैं वहीं उसी वाली साइड पर जा रहा हूँ मैं। और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा व्लॉग दूँ, अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाऊँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग देखो घर पे बैठे बैठे। आपको मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जल्द से जल्द अच्छी अच्छे से अच्छा कंटेंट दिखाऊं। तो गाइज मेरी 60 प्लस मेरी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है, आप लोग जाएं जाके देखें मेरी वीडियोस और मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि वहाँ आपकी वीडियोस अच्छी लगती हैं, क्या लगती है। तो गाइज़ अपने कमेंट्स मीन्स यही होता है कि आप मुझे अपनी राय दें बाकायदा कि क्या सिस्टम है क्या नहीं, तो आप अपनी लाजमी मुझे दिया करें, उससे पता लग जाता है कि इंसान को जी मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ अपने देश में, तो इंशाल्लाह मैं लेकर लाजमी आऊँगा। तो ये आप देख रहे हैं गन्ने, ये गन्ने के खेत मेरे पास इस टाइम लगे हैं और बहुत ज़बरदस्त सा माहौल है, और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ मैं मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों को अच्छे से दिखाऊँ। और अभी बाकायदा मैं आपको काट कर भी दिखाऊँगा कि बाकायदा क्या सिस्टम है और क्या नहीं, और कुछ खेत में आपको और भी दिखाऊंगा जो सिस्टम है तमाम सारे वो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा। ये बेसिकली गन्ने का साइज़ होता है, देखिए गाइस ये मेरे साइज़ से भी लंबे लंबे गन्ने हैं, यहाँ पे मेरे साइज़ से काफ़ी ज़्यादा लंबे गन्ने मैं कह सकता हूँ तमाम गन्ने। और इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर मी कि अचानक ही जब मैंने वीडियो शूट करा था उस टाइम तो मेरे पिछले तो वो सिस्टम नहीं हो पाया जिस सिस्टम में करना चाह रहा था, तो इस वजह से सॉरी। ये बकायदा गन्ने में आपको काट के दिखाऊंगा कि क्या प्रोसीजर है या क्या तरीक़ेकार है, और इंशाल्लाह ताला रजीज आई विल मैनेज इट। और अभी मैं बकायदा आपको काट के दिखाता हूँ कि क्या सिस्टम है। चलें आ जाएं,
गन्ना काटने की मैं कोशिश करता हूँ कि गन्ना कट जाए। सो द टाइम बीइंग आई हैव नो एक्स बट ट्राई माई लेवल हाथ से गन्ना उखाड़ने की कोशिश करें। ये गन्ना लगा हुआ है, ये नीचे से देखें आप, ये तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। टूट तो रहा नहीं है मुझसे, अब पता नहीं वो कुल्हाड़ी एक्स होती है उसके ज़रिए ये कटेगा बाकायदा गन्ना कुल्हाड़ी से कटेगा। तो मैं कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ, फिर आपको काट के बाकायदा दिखाता हूँ कि क्या प्रोसीजर है, किस हिसाब से गन्ने को काटा जाएगा। साथ में सो गाइस आई हैव गॉटन एक्स, मिल गई है, काटने जा रहा हूँ गन्ना और फर्स्ट टाइम काटूँगा। दिल करे गन्ना काटते काटते हाथ ना कटवा लूँ अपना, लेकिन चले चेक करते हैं आगे। शुरुआत ही काट लेते हैं, क्या अंदर गहराई में जाना, कोई और चीज़ भी निकल आ सकती है, दिल करे कोई और शायद निकल आए तो काम हो जाए। चले गाइस काटने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि कोई गन्ना मुझे अच्छा सा मिले। और ये फसलें मेरी मूरी कोई नहीं है, मैं वैसे ही दोस्त के साथ आया हूँ और किसी की भी फसल में घुस गया हूँ और काटने जा रहा हूँ। बस दुआ करें ओनर ना आ जाए कहीं, उसने देख रहे हैं इसके हाथ में कुल्हाड़ी भी है और सारा कुछ क्या कर गया रहा है बेसिकली। चले काटते मुझे क्या किसी से कहा तू कौन सा। चले गाइस अंदर क्या गहराई में जाना, यहीं से काट लेता हूँ, इसी में काट लेते हैं, ये छिलके उतार लेता हूँ उसके में। पहले लाइट तो गाय मुझे पता पता कोई नहीं गन्ने को काटते कैसे, मेरे हाथ में जो चीज़ आई जा रही है मैं तो काट ही जा रहा हूँ उसको। अब ये आगे का पता नहीं, ये हाथ ही बहुत मुश्किल काम है, वाइट कॉलर लोग ये काम नहीं कर सकते। और मुझे बताएं मेरी कुल्हाड़ी चलाने का अंदाज कैसा है, बस ये बताएं आप। और ये कर क्या रहे हैं आप यार, कमेंट कर दो जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसे कर रहा हूँ। आपके कमेंट के लिए तो कुल्हाड़ी उठा लिए मैंने यार, कलम छोड़ के। आप ही देखिए मैंने यहाँ से आके चोट मारनी है इसको, यहाँ से नीचे से ये यहाँ पर रख के मैं मारूंगा और ये नीचे से टूट जाएगा सारा। ये देखे ना, एक मैं यहाँ मारता हूँ एक मैं यहाँ मारता हूँ, ये मेरा हाल है घर की। ये देखिए गाइस फाइनली मैं काट चुका हूँ गन्ने को, इतना बड़ा गन्ना मैंने जिंदगी में कभी नहीं काटा। सो गाइस गन्ने के बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक जो इंसानों के खाने का है एक जानवरों का। तो ये अखलाकियत के तकाजों को मैं पूरा नहीं करूँगा अगर ये मैं साथ ले जाऊँ, जिसका आगे उसके लिए छोड़ के जाना है मैंने। इसे बेसिकली कहते हैं आग, अलिफ मद्दा काफ साकिन, आग कहते हैं, आग नहीं आग कहते हैं। तो ये बेसिकली होता है जानवरों के लिए, ये उनका ऐसा है उनके लिए छोड़ जाएंगे, ये अपना खाने वाला ले जाएंगे। अब आप दुआ करें कि मैं मारते मारते सीधा मारूँ यहाँ ना ले जाऊँ मैं, ठीक है कोशिश करता हूँ। यहाँ से काट रहे हैं ना, गाय बहुत देर से कटे गए। मैं ट्रेन हो गया गाइस, मैं ट्रेन हो गया, मैंने काट दिया गन्ना, खाना खुना मैंने है कोई नहीं, आपको दिखाने के लिए मैंने बेसिकली काटा था। क्योंकि गाइस मैं ये काट चुका हूँ, ये खाने के काबिल तो है नहीं, ये धूप की वजह से सूख चुका है, ये बिल्कुल ही बांस बन चुका है अंदर से, ठीक है ना। तो ये खाने के काबिल नहीं है, लेकिन ये है कि ये काम में आ सकता है जो फैक्ट्री मिल्स वगैरह में शुगर मिल्स वगैरह हैं गुड़ वगैरह तैयार करने के लिए, उस वगैरह के लिए इसका यूज़ हो सकता है। तो इट मीन्स ये यूज़ेबल है लेकिन खाने के काबिल नहीं है। सो गाइस चलें आज की वीडियो का अख्तिताम मैं यहीं से करता हूँ। आज का व्लॉग अगर आपको मेरा पसंद आया है सो गाइस प्लीज़ 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 लाइक कर दें। और ये देखिए इतनी सारी जगह जो बची हुई है इसके लास्ट पे एक बेल आइकन नज़र आपको आ रहा होगा, आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर देना है और इससे ये हो जाएगा कि हमारा रिश्ता और मज़बूत हो जाएगा, आप मेरी फैमिली के एक मेंबर बन जाएंगे जिसके ज़रिए मैं आपकी अटैचमेंट मुझसे रहेगी। सो गाइस आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पंजाबी वाइंस। ओके गाइज अल्लाह हाफिज़।